हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य का नमस्कार। दोस्तों, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देख रहे हैं और उसकी तैयारी कर रहे हैं तो मेरा ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए, क्योंकि ये असिस्टेंट प्रोफेसर के अलग अलग जो अवसर हैं किस प्रकार से आपको मिलने वाले हैं, भविष्य में कौन कौन से ऐसे अवसर हैं जिनके जरिए आपके असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना पूरा हो सकता है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के चार प्रकार के अवसर, मैं इन चार अवसरों की चर्चा करूंगा जो आपको इसी महीने या जिन जून के अंदर या फिर 15 जुलाई तक ये प्राप्त होने वाले हैं। सबसे पहली बात तो जो चर्चित है वो है 1952 पदों पर आरपीएससी के जरिए भर्ती विज्ञापन की, ठीक है। तो आरपीएससी के जरिए जो 1952 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर के अलग अलग पोस्ट के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया जा रहा है वो अभी आने ही वाला है। कभी भी आ सकता है, आज भी आ सकता है, तो 5 दिन में भी आ सकता है, तो 10 दिन के अंदर भी आ सकता है, लेकिन आने वाला है, ठीक है। तो एक तो वो जो है आपके लिए एक अवसर है कि आप गवर्नमेंट कॉलेजों के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। दूसरी जो आपके पास में ये आ रही है वो आ रही है यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा गेस्ट फैकल्टी के लिए भर्ती विज्ञापन, यानी राजस्थान के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, चाहे वो राजस्थान विश्वविद्यालय हो, चाहे वो शेखावाटी विश्वविद्यालय हो, चाहे वो कितनी भी जो भी यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है, ये यूनिवर्सिटियाँ जो हैं इनके अंदर अधिकांश जो पोस्ट हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की वो खाली हैं, तो उनके द्वारा भी इसी महीने के अंदर और असिस्टेंट प्रोफेसर के अलग अलग विषयों के लिए जो है विज्ञापन जारी किया जाने वाला है। ये जो डिटेल है 2 नंबर की, ये मैं आपको आगे बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद में 3 नंबर का जो अवसर है वो आपके सामने है कि 700 से 1000 तक राज शेष के जरिए भर्ती विज्ञापन, यानी आरपीएससी का जो विज्ञापन है वो अलग से आएगा। उसके अलावा जो राज शेष के जरिए और सोसाइटी कॉलेजों के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति की जाएगी उसके लिए अलग से कम 700 और अधिक से अधिक 1000 पोस्ट तक के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया जा सकता है। तो ये राजशेष के जरिए जो भर्तियां होंगी, ये जो नई जो कॉलेजें खुली हुई हैं उनके अंदर इनको लगाया जाएगा, प्लस जिन कॉलेजों को यूजी से पीजी के अंदर कर्मोन्नत किया गया है, नई फैकल्टी जहाँ पर सर्जित की गई है, नया जो संकाय वहाँ पर खोला गया है, उन सभी पदों के ऊपर जो है वो राजशेष के जरिए ही लगाया जाएगा। तो इसके तहत जो भर्ती विज्ञापन होगा वो संविदा नीति 2022 के तहत निकाला जाएगा, ठीक है। चौथा प्रकार का जो आपको अवसर मिलने वाला है वो है राजकीय महाविद्यालयों द्वारा विद्या संबल योजना के जरिए भर्ती विज्ञापन। अभी जितने भी राजस्थान के अंदर राजकीय महाविद्यालय हैं, आपको पता है कि अधिकांश राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद जो है वो खाली चलते हैं और चल रहे हैं, ठीक है। तो इन महाविद्यालयों के द्वारा भी विद्या संबल योजना के जरिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर नियुक्ति के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो सभी कॉलेजें जो है, सभी कॉलेजों के प्रिंसिपल्स जो है वो इस महीने के अंदर, अभी 5-7 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर ये भर्ती विज्ञापन जो है वो जारी करना प्रारंभ कर देंगे, ठीक है। तो ये 4 अवसर हैं जो आपको मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले दूसरे नंबर का जो पॉइंट है उसकी बात करते हैं। ये देखिए आपके सामने है, ये देख सकते हैं आप, प्रदेश के 11 विश्वविद्यालयों के 2116 पदों में से 909 पद खाली, 4 में 100% पद रिक्त। आप सोच सकते हैं कि 11 विश्वविद्यालय हैं राजस्थान के अंदर, उनके अंदर 2116 कुल जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के पद हैं और उनमें से 909 पद जो है वो खाली पड़े हुए हैं, और 4 कॉलेज यूनिवर्सिटी तो ऐसी हैं जिनमें 100% पद ही रिक्त हैं, ठीक है। तो पद रिक्त होने से न गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल पा रही है, न कैंपस प्लेसमेंट हो पा रहा है, ठीक है। ये आपके सामने पूरी न्यूज है। आप देख सकते हैं कि प्रदेश में आदि उच्च शिक्षा डेपुटेशन के भरोसे चल रही है, उदयपुर के सुखाड़िया और जयपुर के राजस्थान विश्वविद्यालय सहित प्रदेश के 11 प्रमुख विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के 2116 में से 909 यानी करीब 42.95% पद खाली हैं। अशैक्षणिक पदों की बात करें तो 4,433 में से 1,925 यानी 52.26% पद खाली हैं। इन्हें भरने के लिए लंबे समय से अलग अलग विश्वविद्यालय मांग कर रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं होने से शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हो रही है,
तो देखिए आगे कि प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने विधानसभा में इन आंकड़ों को रखा। इनके अनुसार मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर में शिक्षकों के 30 में से 30 यानी 100%, MSBC भरतपुर में 30 में से 30 यानी 100%, PDUSV सिक्कर में 30 में से 30 यानी 100% और GGTU बांसवाड़ा में शिक्षकों के 30 में से 30 यानी 100% पद खाली हैं। ऐसे में इन विश्वविद्यालय में अतिथि शिक्षकों, संविदा शिक्षकों और डेपुटेशन पर लगे शिक्षकों के भरोसे काम चल रहा है। पद रिक्त होने से विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पा रही है, जिसके अभाव में कैंपस जॉब दिलाने में भी दिक्कतें आ रही हैं। कई विश्वविद्यालय का विद्यार्थियों को कैंपस जॉब दिलाने के मामले में स्कोर शून्य है। शैक्षणिक पदों के रिक्त होने का सीधा असर PhD की सीटों पर भी दिखाई देता है। तो देख सकते हैं आप दोस्तों क्या स्थिति है, और ये आपके सामने तालिका है। इस तालिका के अंदर बताया गया है ये अलग अलग विश्वविद्यालय हैं, ठीक है, इनके अंदर कितने शैक्षणिक पद स्वीकृत किए गए हैं और कितने शैक्षणिक पद जो है वो रिक्त चल रहे हैं, कितने अशैक्षणिक पद स्वीकृत किए गए हैं, कितने अशैक्षणिक पद रिक्त चल रहे हैं, ये पूरी तालिका आपके सामने, इसको आप आराम से देख सकते हैं। तो अभी इसका जो इफेक्ट है वो जो PhD करने वाले स्टूडेंट्स हैं, रिसर्च स्टूडेंट हैं, उनके ऊपर भी पड़ रहा है। आप देखिए ये जो न्यूज है वो आपकी नॉलेज को बढ़ाने वाली है पूरी तरह से, बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है। जो PhD करने के इंटरेस्टेड है वो देखिए, ठीक है, शिक्षक नहीं होने से घटेंगी PhD सीटें। UGC के साल 2022 में लागू किए गए PhD के नए नियमों को संशोधनों को सुखाड़िया विश्वविद्यालय सहित प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय में लागू कर दिया गया है। इन नए नियमों के तहत अब प्रोफेसर को 8, एसोसिएट प्रोफेसर को 6 और असिस्टेंट प्रोफेसर को 4 PhD स्कॉलर ही आवंटित किए जा सकते हैं। यानी कोई भी सब्जेक्ट है उसका अगर प्रोफेसर है तो वो 8 स्टूडेंट्स को PhD करा सकता है अपने अंडर में, एसोसिएट प्रोफेसर है तो वो 6 स्टूडेंट को अपने अंडर में PhD करा सकता है और असिस्टेंट प्रोफेसर है तो वो 4 स्टूडेंट्स को अपने अंडर में PhD करा सकता है। ये UGC का नया रूल है। जबकि इससे पहले क्या होता था, इससे पहले देखिए, इससे पहले प्रोफेसर को 10, एसोसिएट प्रोफेसर को 8 और असिस्टेंट प्रोफेसर को 6 PhD स्कॉलर आवंटित किए जाते थे। अब इन नए नियमों को देखते हुए विश्वविद्यालय में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता है। तो अब रिक्त पद होने की वजह से जो PhD करने वाले स्टूडेंट हैं उनको गाइड नहीं मिल पा रहे हैं, ठीक है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। पढ़ाई तो बाधित हो ही रही है, इसके साथ साथ में उनको गाइड भी नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये थी दोस्तों आपके 2 नंबर का जो पॉइंट है कि किस प्रकार से आपको यूनिवर्सिटीज के अंदर और असिस्टेंट प्रोफेसर के अवसर मिलने वाले हैं। अब देखिए आपके सामने 3रा नंबर का जो मैंने पॉइंट बताया था कि राशेस के जरिए सोसाइटी कॉलेजों के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर जो है भर्ती की जाने वाली है। तो ये देखिए आप, मुख्यमंत्री मोदी द्वारा वर्ष 2023-24 में की गई बजट घोषणा की अनुपालना में ये है। 1 नंबर का पॉइंट देखिए, नवीन विषयों और संकायों का प्रारंभ, यानी आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा जयपुर के द्वारा अभी 9 जून को ऑर्डर जारी किए गए हैं, ठीक है, तो उनके अंदर राजस्थान के 28 राजकीय महाविद्यालयों में जिनके अंदर 22 तो सह शिक्षा हैं, मतलब को एड है, यानी लड़के और लड़की दोनों के हैं, और 8 हैं कन्या शिक्षा के, इनके अंदर नवीन विषय और नवीन संकाय खोले गए हैं। तो आप सोचिए कि 28 राजकीय महाविद्यालयों में या तो नवीन विषय खोला गया, पहले जो विषय चल रहे थे उनको और बढ़ाया गया और नए विषय उसमें जोड़े गए, या फिर नया संकाय खोला गया, जैसे पहले कहीं पर आर्ट्स ही था तो वहाँ पर साइंस आ गया है, या साइंस के अंदर बायो था तो उसके साथ साथ मैथ भी आ गया है, या पहले कॉमर्स नहीं था तो वहाँ पर कॉमर्स आ गया है। तो इस प्रकार से जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के एक तो अवसर इस प्रकार से बढ़े हैं। दूसरा किस प्रकार से बढ़े, देखिए, राजकीय महाविद्यालयों को स्नातक से स्नातकोत्तर में क्रमोन्नत, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा जयपुर के द्वारा राजस्थान के 19 राजकीय महाविद्यालयों को जिनमें 11 तो सह शिक्षा के हैं और 8 कन्या शिक्षा के हैं, इनको क्या किया गया है, स्नातक से स्नातकोत्तर में क्रमोन्नत किया गया, यानी UG से PG में क्रमोन्नत किया गया है। तो जाहिर बात है जब UG से कोई कॉलेज है PG में क्रमोन्नत होगा तो सब्जेक्ट बढ़ेंगे तो उसके अकॉर्डिंग असिस्टेंट प्रोफेसर की आवश्यकता भी होगी, ठीक है। तो इन दोनों कार्यों के परिणाम स्वरूप देखिए आपके सामने असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के कितने जो अवसर है वो आपके सामने आ रहे हैं। ये देख सकते हैं आप कि
कि नवीन विषयों और संकायों का प्रारंभ होने से असिस्टेंट प्रोफेसर के जो पद हैं वो 125 बढ़े हैं और प्रयोगशाला सहायक के जो पद हैं वो 110 बढ़े हैं। ये तो नए विषय और फैकल्टी खोलने के परिणाम स्वरूप असिस्टेंट प्रोफेसर के नए पद जो है वो बढ़े हैं। फिर देखिए आपके सामने कि राजकीय महाविद्यालयों को स्नातक से स्नातकोत्तर में कर्मोन्नत करने से कितनी पोस्ट बढ़ी हैं, तो असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट बढ़ी हैं 40 और प्रयोगशाला सहायक की पोस्ट बढ़ी हैं 12। तो इस प्रकार से अब आपके सामने कितने अवसर बढ़े हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के, देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल पद बढ़े 165, यानी 165 जो है पद और बढ़ गए हैं। तो इसका मतलब 165 पदों के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो सरकार जो है वो इन सभी असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति या तो विद्या संबल योजना के तहत करेगी जो मैंने अभी आपको बताया, या फिर राजशेष के जरिए जो है और 700 से लेकर के 1000 तक जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकालेगी और इन पदों के ऊपर उनको लगाया जाएगा, जितने भी सोसाइटी के अंदर आने वाली कॉलेज हैं उनके अंदर लगाया जाएगा। बाकी जितने भी राजकीय कॉलेज हैं उनके अंदर सब के अंदर विद्या संबल योजना के तहत जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए जाएंगे। आप सचेत रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिस भी यूनिवर्सिटी की और कॉलेज की अपडेट आएगी वो मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा, ठीक है। तो विद्या संबल योजना क्या है इसके ऊपर भी मैं विस्तार से आपके लिए वीडियो बना करके लेके आऊँगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।